अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। घबरा नहीं है, मूवी का जो ट्रेलर आया था तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी लो हुई थी, क्योंकि कास्ट देखकर जाहिर अहमद, सबा कमर, मैं बहुत इंप्रेस था कि चलो कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है इस ईद पे, और जाहिर अहमद अपना फिल्म डेब्यू कर रहे हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मैं इंप्रेस था, एक्साइटेड था। लेकिन जब फिल्म का ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि ट्रेलर उस टाइप का नहीं है जिस तरह की हाइप क्रिएट की जा रही है, तो मैं थोड़ा डाउटफुल था कि मैं ये फिल्म देखूंगा कि नहीं देखूंगा। लेकिन जब मैं ईद पे ये फिल्म देखने गया तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे फिल्म बहुत पसंद आई और मैंने बहुत इन्जॉय किया, और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ट्रेलर ऐसा और फिल्म ऐसी होगी, तो मैं तो बहुत खुश हुआ था, मैंने बहुत इन्जॉय किया था। खैर, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म का घबराना नहीं है कि मूवी रिव्यू के बारे में, तो शुरू करते हैं रिव्यू। बात करते हैं पहले फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। तो पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे लिए जो है वो है फिल्म का प्लॉट और स्टोरी लाइन। थोड़ी और फैशन लगेगी आपको शुरू में, जहाँ सबा कमर का जो करेक्टर है उनके वालिद का रोल सुहेल अहमद साहब ने निभाया, वो एक मिडिल क्लास फैमिली है और बेटा बेटी के फ़र्क को लेकर वहाँ मसले बनते रहते हैं, और उनकी फैमिली का एक प्लॉट है जिसका प्रॉब्लम फिल्म में है। जाहिर अहमद साहब का जो करेक्टर है वो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है जो अपना काम 19-20 करता है, और सैयद इमरान साहब का जो करेक्टर है वो कज़न है सबा कमर का, तो ये दिख रहा है, मगर वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड भी है सबा कमर के करेक्टर में, लेकिन सबा उनकी तरफ उनको भाई की नज़र से देखती है। बहुत वो कॉमिक सिचुएशंस होती हैं फिल्म में इनके दरमियान। प्लॉट और स्टोरी लाइन तो कुछ ऐसी है जो आपको फिल्म देख के भी समझ आ जाएगा, लेकिन ओल्ड लगेगी थोड़ा शुरू में, लेकिन आगे जाकर फिल्म इंटरेस्टिंग हो जाएगी और प्लॉट और स्टोरी लाइन ही फिल्म को आगे लेके जाएगा। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट प्लॉट और स्टोरी लाइन के अलावा वो है डायरेक्शन। इस फिल्म का डायरेक्शन साकिब खान ने किया है, और उन्होंने अपना 100% दिया इस फिल्म में, क्योंकि जो सिचुएशंस बन रही हैं और जो हरकतें हो रही हैं फिल्म में वो आपको इन्जॉयबल लगेंगी, और वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये फोर्स्ड सिचुएशन डाली है या ये ज़रूरत नहीं थी इस सीन की, लेकिन ये डाल दिए थे, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्शन के 100 में से 100 मार्क्स, और वो जो आप नोट करोगे फिल्म में जो कराची या लाहौर जो भी शहर है उसके जो ऊपर से क्लोजअप्स और ऊपर से एक वाइड शॉट अप है जिसमें पूरा शहर दिख रहा है, वो बहुत अच्छी है, तो उसका मजा आएगा आप लोगों को जब आप फिल्म देखेंगे। उसके अलावा फिल्म की राइटिंग की अगर बात करें तो फिल्म लिखी भी खुद साकिब खान ने है, मोहसिन अली ने भी लिखी है, तो वेल डन राइटिंग टीम, डायरेक्शन टीम, क्योंकि प्लॉट, स्टोरी लाइन और डायरेक्शन ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ये बहुत अच्छी हैं, ये आपको एंगेज करके रखते हैं फिल्म में। उसके बाद फिल्म की कास्ट की अगर बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो एज़ यूजुअल जाहिर अहमद टीवी पे हमें इतना इम्प्रेस किया, और उसके बाद बिग स्क्रीन पे भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल है, और मुझे लगता है कि उनको थोड़ा डांस मूव्स भी कराने चाहिए थे, उनको आगे अगर ऐसी फिल्म करनी चाहिए जिसमें ज़्यादा डांस बेमतलब का नहीं, लेकिन डांस वो अच्छा कर लेते हैं, इसमें कहीं कहीं आपको वो झलक दिखेंगी। सबा कमर एज यूजुअल कॉमेडी हो, सीरियस हो, इंटेंस सीन हो, वो अपना 100% देती हैं। इम्प्रेस मुझे किया है सैयद जबरान ने, क्योंकि मैं टीवी पे उनको इतना देखता नहीं हूँ, मैं उनका कोई फ़ैन नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं था उनसे कि फिल्म में वो हैं ना हो, उनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिल्म में असल जान वही डालते हैं, उनके कॉमिक पंचिस हों उनका और जान रैम्बो साहब का जो कॉम्बो है फिल्म में वो आपको बहुत इन्जॉयबल लगेगा, और जब फिल्म ख़त्म होगी तो आप इन दोनों को ज़रूर याद करोगे। इनका जो एक चाय को लेके गपशप है और नोकझोंक है ना, वो आपको बड़ी पसंद आएगी। तो रैम्बो साहब ने भी अपना 100% दिया है, और उनको बहुत टाइम बाद हम लोग देख रहे हैं, तो उनका करेक्टर भी बहुत अच्छा है। उसके बाद नैयर एजाज साहब, उनसे भी मैं इम्प्रेस हुआ, वो भी टू गुड। सुहेल अहमद साहब की बात करूँ तो मैं क्या करूँ, वो एकदम किसी करेक्टर से निकलते हैं, किसी करेक्टर में ढल जाते हैं, हमें समझ नहीं आती है। इस बार भी वो जहाँ सीरियस सीन है उनके सबा कमर के साथ, वहाँ भी वो मतलब उनकी तारीफ में आप बनता क्या बोले, बस ये बोले कि वो कुछ ना भी करें ना, वो स्क्रीन पे खड़े हों तो आपको मज़ा आया था कि यार चलो सुहेल अहमद साहब को देखने का मज़ा आ रहा है। और उसके बाद एट द एंड बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सही महराज यार बंदे की वैरायटी देखो यार, मतलब मैंने उनको एक और फिल्म में भी देखा है, और उनमें और इनमें जो करेक्टर की रेंज है, करेक्टर की चेंजिंग है, वो बहुत कमाल है। तो हैट्स ऑफ द होल टीम ऑफ घबराया नहीं है। तो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स फिल्म को लेकर जो है वो है, पहले तो डायरेक्शन, फिर राइटिंग, प्लॉट, स्टोरी लाइन, और उसके बाद फिल्म की कास्ट की परफॉर्मेंसेज, चाहे वो लीड कास्ट हो या वो सपोर्टिंग कास्ट हो, सब ने अपना 100% दिया है। उसके बाद आगे जाकर मैं अगर म्यूज़िक की बात करूँ तो म्यूज़िक मुझे ऐसा सच कुछ वीक लगा, म्यूज़िक अच्छा है, एक रोमांटिक ट्रैक है सबा कमर और जाहिद अहमद का, वो आपको अच्छा लगेगा, वो बैकग्राउंड में है। फिर एक फिल्म के एंड में डांस ट्रैक आता है, वो बहुत अच्छा है, वो आजकल चल भी रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक कुछ म्यूज़िक कम है, म्यूज़िक की कमी है फिल्म में, क्योंकि एक ईद
फैमिली फिल्म है तो उसमें गाने जाने होने चाहिए थे। मुझे एक तो ये भी लगा कि फिल्म की स्टोरी ऐसी है जो बिला वजह गाने डालते तो हमें मतलब मसला होता, लेकिन उस हिसाब से मुझे लगता है कहीं ना कहीं गाने एडजस्ट किए जा सकते थे। और ज़ाहिर अहमद साहब को मैंने देखा है वो डांस कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा वीक लिंक है फिल्म का कि म्यूज़िक कितना वो नहीं है कि जब आप सिनेमा से निकलो तो आप ज़्यादातर डायलॉग्स और करेक्टर्स की बात करते हो, आप म्यूज़िक की बात नहीं करते। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपसे मैं पूछूंगा। सो ओवरऑल घबराया नहीं है मूवी की अगर बात करूँ तो इट्स अ वन टाइम वॉच, और ये ईद पे कमाल मूवी है और ये फैमिली एंटरटेनर मूवी है कम्प्लीटली, तो आपको अपनी फैमिली के साथ जाके जरूर देखनी चाहिए। मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेशन है, 100% रिकमेंडेशन है कि आप जरूर जाएं और अपनी फैमिली के साथ दोस्तों के साथ ईद पे ये फिल्म जरूर देखें, घबराना नहीं है। अब ये तो था मेरा पर्सनल ओपिनियन, अब आप अपना ओपिनियन अपना रिव्यू शेयर कीजिए कमेंट्स में कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और आपने अगर ये फिल्म नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी। तो लेट्स रैप ऑफ दिस वीडियो, जल्द मुलाकात होगी आपसे, टिल देन अल्लाह हाफिज़।